बिहार विधानसभा चुनाव में दलित उम्मीदवार का राग अलाप रहे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मंगलवार को सभा में शामिल होने गया के मानपुर पहुंचे और साथ ही पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस सभा में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क। सभा के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि जो पार्टी दलित को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएगी मैं उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए नहीं बिहार के लिए चुनाव लड़ना है। अब चाहे आरजेडी हो या कोई और, जो पार्टी दलित सीएम की घोषणा करेगी उसे हमारा समर्थन रहेगा। हम सेवक हैं, AK-47 और AK-56 वाले नहीं हैं। यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और नीतीश सरकार की कमियों को उजागर किया और साथ ही कहा कि हमारी सरकार बिहार में आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे और बोधगया को टूरिज्म बनाएंगे और टूरिज्म बनाने से 4 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। 1500-1000 जो जहाँ थे और जहाँ से पप्पू यादव को खबर मिली कि उनका परिवार और वो लोग परेशान हैं, तो हम लगभग अकाउंट के द्वारा सबको पैसा भेजने का प्रयास किया। दिल्ली में 10,78,000 लोगों को लगभग खाना एक महीने का अकेला 26 मार्च से अभी तक। बता दें कि पप्पू यादव के संबोधन को सुनने के लिए काफी संख्या में युवाओं में उत्साह भी दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन जिस कोरोना काल में हमारे इस जेल ने, बिहार के नेता ने जो खुल के जनता के बीच रहने का काम किया, लोगों को सहायता करने का काम किया, हमें लगा सच्चा सेवक ही असली सच्चा नेता हो सकता है। इसका जवाब तो सही। गया से मनोज कुमार के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live, इंडिया।